पैरों से गई थी। मैंने RW चक्रवर्ती ब्याज से आए थे 2 साल का 7000 डांस। हिंदी में एक तो वो आया था कि जिसके मुंह में दांत नहीं होते, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान। तो भाई जैसे कि आज 12 तारीख है और आज 12 तारीख का पहली शिफ्ट का पहला पेपर छूट चुका है, तो बच्चे आने लगे हैं, उनसे बात करते हैं कैसा पेपर था भाई। हाँ, काफी सारे क्वेश्चन याद हैं, बता दें आगे करता जी इसका। और उस चक्रवर्ती ब्याज से आए थे 2 साल का पूछा था चक्रवर्ती ब्याज में, और 2 क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा, और CI वगैरह में से आया था, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। परसेंटेज। और परसेंटेज में से भी आया था, ज़्यादा टफ नहीं था तो नॉर्मल था। और GS में बताओ, GS में करंट अफेयर कैसे थे? एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का और ज़्यादा नहीं था, करंट का नहीं था, 2020 का था भाई, एक क्वेश्चन था और नहीं था कुछ भी। बुक पूछी थी या कोई ब्रांड में? बुक नहीं पूछी, बस नाम पूछा था। युद्ध अभ्यास? नहीं, युद्ध अभ्यास कुछ नहीं पूछा उसमें से। हिंदी में कितने क्वेश्चन हुए? हिंदी में होते मेरे 18 क्वेश्चन, रीजनिंग में 19 और मैथ में हुए थे 17। रीजनिंग का लेवल चेंज हुआ या इजी था? कुछ नहीं, बिल्कुल इजी था। हाँ, 10 तारीख से बहुत इजी था। और बुक वगैरह आई कोई पुस्तक? नहीं नहीं, कुछ नहीं आई बुक वगैरह। GS में फोक डांस? नहीं, फोक डांस नृत्य वगैरह आया था, नृत्य आई थी। कलाकार आए उनके? नहीं, कलाकार नहीं आए थे। नहीं, कुछ नहीं आया उसमें से। चलो, हिंदी में एक तो वो आया था कि जिसके मुंह में दांत नहीं होते, एक था सुर का पर्याय वाची। GS वगैरह में था रवि कीर्ति, किसके दरबार में रह बैठा रवि कीर्ति। और जी साइंस से क्वेश्चन? साइंस से, हाँ वो था सोडियम क्लोराइड और बोरियम कुछ मिलाने के बाद में कौन सी क्या बने, रिएक्शन पूछा। हाँ, यो क्वेश्चन। बायोलॉजी से नहीं भाई, बायोलॉजी से। तो कितने क्वेश्चन करने भाई? मैंने लगभग 65। तो ऑनलाइन करी थी स्टडी या ऑफलाइन? मैंने तो ऑनलाइन। शहर से की थी? मैंने RW। मॉक टेस्ट वगैरह दिए? मॉक टेस्ट वगैरह। कितने आते थे मॉक टेस्ट में? 57-58। अच्छा रहा स्कोर आपका। और बुक वगैरह आई कोई करंट अफेयर? बुक वगैरह नहीं, बुक वगैरह तो। डांसेस? हाँ, डांस पता, डांस तो नहीं था, पर एक वो था बुध पूर्णिमा सागा दावा वागा दावा करके। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से नहीं था, नू था कि लू जो है, लू हवा जो चले है, ये कौन से मौसम में चले। ठीक है भाई, धन्यवाद। राजीव गांधी पुरुष वाले खेल वाले। हाँ जी। और कोई? और डांस? हाँ, 7000 डांस। मतलब क्वेश्चन इजी थे। अच्छा, ब्रांड एंबेसडर वगैरह? नहीं, ये नहीं थे। नहीं, अरे हिंदी तो हिंदी में संबोधन के बात क्या लगता है, विशेषण वगैरह? हाँ जी, विशेषण से था। जैसे वो नहीं, कर्ता से, कर्म से, कारण से, संबोधन से, ऐसे वाला वो वाला था। और रीजनिंग तो बहुत इजी थी। हाँ जी, टोटल कितने क्वेश्चन कर? 64। तो भाई ऑनलाइन करो स्टडी, ऑफलाइन? भैया ऑफलाइन। भाई ये भाई पेपर देगा, इनसे जानते हैं कैसा पेपर था, इनका कैसा पेपर रहा। भाई कोई क्वेश्चन याद हो आपके? भैया मैथ में आए थे लॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। अच्छा जी। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आया था क्वेश्चन। अच्छा। मैथ में एक एवरेज का आया होगा। हाँ जी, एवरेज का आया था और टाइम का आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था। अच्छा, पाइप टंकी वगैरह से? नहीं, वो नहीं आया। बोट स्ट्रीम नहीं होगा? नहीं था। 2D से आ रहे, 3D से आ रहे? 3D से। कितने क्वेश्चन थे? दो तीन थे। तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो टाइम ले रहा हो, कैलकुलेशन हो जिसमें? मैथ की थे क्वेश्चन। कौन से थे? प्रॉफिट एंड लॉस वाले और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था, वो भी उनमें कैलकुलेशन थी। जी। अच्छा, तो ले रहे थे 2-2.5 मिनट में, या हो सकते थे या नहीं हो सकते थे? थोड़ा टाइम कम था, हो जाती अगर टाइम। हाँ। तो रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग तो बहुत आसान थी। रीजनिंग में लगा था? रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा आपको? वो थे ना मिरर वाले। मिरर वाले तो सीरीज से क्वेश्चन थे? थे। मैथ की सीरीज थी? मैथ की सीरीज भी थी।
और गोल गोल चक्कर में बैठाते हैं जो भी वाले, हाँ वो भी था। थे थे कितने क्वेश्चन थे इनमें? एक था, एक तक दोनों में। हाँ। तो आपने करा छोड़ दिया? कर दिया भाई, कर दिए। तो रीजनिंग में कितना स्कोर था तुम्हारा भाई? रीजनिंग में था मेरा 18 क्वेश्चन करके आया हूँ भाई। अच्छा, और मैथ में? मैथ में भाई ऐसे 12-13 क्वेश्चन होते यार। चलो हिंदी में बताओ भैया कैसा रहा? हिंदी भी ठीक थी भैया, पर्यायवाची आए थे। पर्यायवाची आए थे भैया? पर्यायवाची कितने पर्यायवाची आ रहे? 2-3 थे। और विलोम शब्द वगैरह था? विलोम शब्द ना थे, विलोम शब्द नहीं था। वो वर्तनी से क्वेश्चन थे, लास्ट में एक पैराग्राफ था, 5 क्वेश्चन उसमें थे, उसमें भरने थे। हाँ, गद्यांश होगा वो। हाँ जी, 5 क्वेश्चन का था वो। हाँ जी, तो वर्तनी से क्वेश्चन थे, जैसे कोई वर्ड आता है वो पहचानवाते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है। सही। हाँ, कई क्वेश्चन थे उसके। तो मुहावरे कितने थे? मुहावरे भी थे 3-4। 3 क्वेश्चन, ठीक है। और बताओ उसमें जी एस में कैसे पेपर था? जी एस भी ठीक थी भैया। जी एस में कितने करे तुमने? जी एस में हो गए थे भैया 18-19 क्वेश्चन। तो जी एस में साइंस से कितने क्वेश्चन थे? साइंस से तो 4-5 थे भैया। केमिस्ट्री से थे या फिजिक्स से थे? केमिस्ट्री से। बायो? बायो ना जी, बायो में कोई क्वेश्चन नहीं। और जी एस में और कोई क्वेश्चन? और डांस वगैरह? डांस का था एक, डांस से था। पंचवर्षीय योजना ना एक वो था लोकसभा का, लोकसभा। और संविधान से? संविधान से ना था। आर्टिकल वगैरह कोई ना? आर्टिकल वगैरह भी ना था। आर्टिकल नहीं थे। ब्रांड एम्बेसडर ना? और कुछ नहीं था, मतलब ठीक था, पेपर आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ, तो भैया तैयारी ऑफलाइन की आपने, ऑनलाइन करी? भैया मैंने तो ऑफलाइन ही करी यार, ऑफलाइन ही की। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे ना? ऐसे बस। तो भाई जाते जाते एक बार ये बता दो हमारे व्यूअर्स को, आप कहाँ से आए? भाई मैं आया हूँ मोदी नगर से, गाजियाबाद। तो भाई जैसा भैया ने काफ़ी अच्छा बताया, इन्होंने जितना इनको याद हो पाया उतना उन्होंने बता दिया, जो जो क्वेश्चन थे वैसे भी हार्ड क्वेश्चन जो है वो याद नहीं रह पाते। तो अब थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट छुटेगी, उसका भी हम एग्ज़ाम रिव्यू लेंगे।